Hello everyone, today me Manru Pannu here with a new chapter from New Gems English Book of 7th Standard. So, aaj hum chapter read karenge Govinda's Disciple. It's a second chapter. So, let's read. Isme hum kya padhenge ki jo teacher hai, uske liye kya important hota hai? Uske towards his student, uske liye kya important hota hai? Wealth? Aur kya? Aaj hum isme read karenge. Far below front the Ganga, quick and clear. Above frowned the jutting bank, hills dark with the forest, with the woods, and scared with the torrents were gathered around. क्या हुआ कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बहुत दूर गंगा रिवर जो है वो बह रही है, वहाँ पर वो बहुत साफ है और बहुत तेज बह रही है, और वहाँ पर जो बैंक है वो बहुत बड़ा है, बहुत मीन्स एक्सटेंडेड है, और वहाँ पर जो हिल्स हैं वो डार्क क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ द थिकनेस ऑफ फॉरेस्ट. जो वहाँ पर फॉरेस्ट है, वहाँ पर फॉरेस्ट बहुत घने हैं, इसलिए दो हिल्स है बहुत डार्क है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर मी एंड स्केयर्ड विद द टॉरेंट्स वर गैदर्ड अराउंड. वो मीन्स जो फॉरेस्ट है वो डर रहा है, जो टॉरेंट्स मीन टू से स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर, वो डर है कि वो उसको कहीं भाग कर ना ले जाएं. एज अ हमने ऐसे पॉइम बनाई इन्होंने. और गोविंदा द ग्रेट टीचर सेट ऑन द रॉक रीडिंग स्क्रिप्चर्स. गोविंदा है जो ग्रेट टीचर, बहुत महान मीन्स गुरु हैं, वो वहाँ पर बैठकर स्क्रिप्चर्स रीड कर रहे हैं. व्हेन रघुनाथ हिज डिसिपल प्राउड ऑफ हिज वेल्थ केम एंड ब्राउट टू हिम एंड सेड आई हैव ब्राउट माई पुअर वेल्थ अनवर्थी ऑफ थे एक्सेप्टेंस. वो मीन्स अब बहुत प्राउड ही होते हैं रघुनाथ उनका स्टूडेंट एंड डिसिपल मीन टू से स्टूडेंट भी में से जो उनका डिसिपल होता है वो बहुत प्राउड ही होता है, बहुत घमंडी होता है, उसको बहुत होता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. वह अपने गुरु को जाके कहता है मैं अपनी थोड़ा सा धन आपके लिए लाया हूँ, मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा. वो मीन्स अपने आप को बहुत प्राउड ही शो कर रहा है कि मैं बहुत गरीब हूँ आपके सामने, पर वो ऐसा नहीं कर रहा, बस उसका शो करने का तरीका ये है कि मैं बहुत अमीर हूँ. राइट. द सेइंग ही डिस्प्लेड बिफोर द टीचर अ पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल्स स्टडेड विद कॉस्टली जेम्स एंड एमरल्ड्स. द मास्टर टुक अप वन ऑफ देम ट्विलिंग it around his finger and the stones darted shafts of light. Suddenly it slipped from his hand and rolled down the bank into the water.